हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लचर की मदद से ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, जो कि पार्टियों में भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड चैनल पर भी जरूर जाइए जिसका नाम है प्रीत तिवारी टू। उसमें मैं सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। तो इस हेयर स्टाइल में आपको सबसे पहले अपने इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करके फ्रंट के बालों को फ्रंट में ही होल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड कर दे रही हूँ। अभी बैक वाले हेयर्स को अच्छे से कॉम करेंगे। आप जितना ऊंचा या फिर नीचे, जितना आपको हेयर स्टाइल ऊंचा रखना है आपकी चॉइस है, नीचे रखना है तो भी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं इतना ऊंचा रख रही हूँ, चार उंगली का गैप छोड़ के इतनी ऊंचाई पे मैं अपनी पोनी को बना रही हूँ। ओके, पोनी बनाने के बाद से सिंपली हम यहाँ पे बन को सिंपल सा लुक देके इस तरीके से बना लेंगे। और जो आपके पास क्लचर है उसको यहाँ पे होल्ड करते हुए हेयर को, पतले बालों में भी ये बन अच्छे से बन जाएगा आपका। तो यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे। स्कैल्प के हेयर के साथ आपका क्लचर टच होना चाहिए और इस तरीके से बना लोगे। आप चाहो तो सिंपली इस तरीके से सारे बालों में भी बन बना सकते हो डेली वेयर पे। ओके, तो ये हमने बना लिया। अभी फ्रंट के हेयर को ओपन करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे बनाते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़े थोड़े हेयर्स लेके इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते जाएंगे जहाँ तक हमारा ये हेयर हमने छोड़ा हुआ है क्राउन एरिया तक। इसके बाद बैक के हेयर को उठा लेंगे इस तरीके से अपने हाथों में और इसको सिंपली चोटी बनाते जाएंगे। पतला पतला सेक्शन लेके बनाते जाएंगे। जितना पतला बनाओगे उतना ज़्यादा सुंदर लगेगा आपका हेयर स्टाइल। पूरी चोटी को इसी तरीके से बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस साइड के हेयर आपके चोटी में ना आ जाए। एंड तक चोटी को बना लेंगे। इसके बाद आपको क्लचर के सेंटर से इसको लेके जाएंगे और क्लचर को ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए क्लचर के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हेयर को लेके आएंगे और फिर से क्लचर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से फैला लेंगे।
अभी जो आपके साइड के हेयर हैं इनको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करके ले जाएंगे। ऊपर की तरफ से लेके आएंगे और क्लचर के चारों तरफ लपेट देंगे। ओके, अगेन ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो यू पिन से इसको होल्ड कर सकते हो ताकि आपका हेयर स्टाइल ख़राब ना लगे। ओके, बाकी के सारे हेयर को एक साथ ट्विस्ट कर देंगे। ओके, अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। जो आपके बेबी हेयर्स हैं उनको साथ में ही लेते जाइएगा, नहीं तो आपका हेयर स्टाइल का लुक जो होगा वो ख़राब दिखेगा। अब आप यू पिन से अपने हेयर स्टाइल को सिक्योर कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे कि यू पिन्स लगाने हैं वहाँ पे आप लगा सकते हो, और इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो दिखे अच्छे से। अगर आपको क्लचर हाइड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और दिखने कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये था क्लचर की मदद से ब्यूटीफुल सा पार्टी बन हेयर स्टाइल। तो ये है मेरे बन का फाइनल लुक। थोड़ा सा सेटिंग्स से यूज करेंगे ताकि जो बेबी हेयर्स हैं वो बाद में निकल ना जाए। तो ये है मेरे बन का फाइनल लुक। यहाँ पे एक यूपिन्स और ऐड कर देंगे ताकि जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना हो जाए बाद में। तो आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की हेल्पफुल इजी और ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल देखने के लिए। तो ये हेयर स्टाइल आप गाउन के साथ, साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो। तो आई होप कि पसंद आया वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को